हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्यारा किचन टिप्स एंड ट्रिक्स पर। बहुत ज़रूरी काम आने वाली बातें। नंबर एक, अंगूर खाने से ही त्वचा पर नेचुरल ग्लो आता है। इससे चेहरे पर होने वाले दाग धब्बे और झुर्रियों में छुटकारा पाया जा सकता है। नंबर दो, सूखी अंजीर को उबालकर अच्छी तरह पीसकर यदि गले की सूजन या गांठ पर बांधा जाए तो शीघ्र ही लाभ हो जाता है। नंबर तीन, अलसी के बीजों को मोटा होने तक उबालें, उसमें नींबू का रस और शहद भी मिला लें और इसका सेवन करें। जुकाम और खांसी से बहुत ही जल्दी आराम मिलेगा। नंबर चार, सुबह के समय दही खाना बहुत अच्छा माना जाता है। यह पाचन तंत्र को मजबूत करता है और दिन भर ताजगी बनाए रखने में मदद करता है। सुबह के नाश्ते में दही खाने से शरीर को तुरंत ऊर्जा मिलती है और यह दिन की शुरुआत करने के लिए एक अच्छा विकल्प है। नंबर पाँच, अगर आप घड़े का पानी पीते हो तो दो दिन में पानी जरूर बदलना चाहिए, क्योंकि अगर आप पानी नहीं बदलेंगे तो वह अपनी आप को फ़ायदे की वजह नुकसान देगा, इसलिए पानी को ज़रूर बदलना चाहिए। नंबर छः, गर्मियों के मौसम में फ्रिज का ठंडा पानी और बर्फ़ वाला पानी पीना नहीं चाहिए। आप घड़े के पानी का पिए आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। नंबर सात, एक महीने तक लगातार रात को 10 से 15 गिरी अखरोट की भिगोकर सुबह खाली पेट खाने से घुटनों के दर्द में बहुत ही जल्दी आराम मिलता है और दो महीने लगातार इस उपाय को करने से गठिया के रोग से भी मुक्ति मिल जाती है। और जिनके घुटनों में ज़्यादा दिक्कत है और डॉक्टर ने भी ऑपरेशन बता दिया है, अगर वह भी इस उपाय को करते हैं तो बहुत ही जल्दी आपको आराम मिलेगा और ऑपरेशन से आप बच जाएंगे। नंबर आठ, अक्सर थकान या चिंता आपके चेहरे की निखार को कम कर देती है। ऐसे में किसी भी क्रीम को आप लगा लें लेकिन आपकी स्किन का ग्लो वापस नहीं आता। ऐसे में अगर आपको किसी पार्टी या फंक्शन में जाना हो तो बेहतर जरूरी है कि आपकी स्किन का ग्लो बना रहे। नंबर नौ, क्या आपने कभी चाय छन्नी को गैस पर जलाया है? नहीं जलाया है तो जला लीजिए, इससे आपकी बहुत सारे पैसे बचेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, गैस को चालू करके चाय छन्नी को 5 मिनट तक गैस पर गर्म करके निकाल लेना है। अब चाय छन्नी के ऊपर सर्फ डालकर स्क्रब कर लेना है और फिर पानी से धो लेना है, तो आप देखेंगे इससे आपकी चाय चलने पर कोई भी गंदगी जमा हो या जंग लग गया हो तो वह चुटकियों में बिल्कुल उतर जाएगा और आपकी चाय की चलनी चमक जाएगी। बहुत ही कारगर उपाय है। नंबर 10, पैदल चलने से पहले थोड़ा गुनगुना पानी पी लो, कभी कमजोरी नहीं आती है। नंबर 11, केले और अंडे को कभी भी एक साथ नहीं खाएं, ये शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकता है। नंबर 12, यदि आप पेट कम करना चाहते हैं तो रोज़ाना बादाम के तेल को नाभि में डालें, इससे आपको पेट धीरे धीरे कम होने लगेगा। नंबर 13, यदि आप वज़न बढ़ाना चाहते हैं तो गुनगुने दूध में शहद मिलाकर पीना चाहिए, इससे वज़न जल्दी बढ़ जाता है। नंबर 14, गर्मी के मौसम में तेज़ धूप और पसीने के कारण स्किन की ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत होती है। धूल और पसीने के कारण बैक्टीरिया स्किन पर जल्दी पनप लगते हैं, इससे पिंपल और रेडनेस की समस्या होने लगती है और स्किन बेजान हो जाती है। नंबर 14, नीम की पत्तियों को पीसकर पेस्ट बना लें। चेहरे पर स्टीम लेने के बाद इस फेस पेस्ट को लगा लें, नीम पिंपल्स को दूर करने में मदद करता है। नंबर 15, एलोवेरा जेल चंदन और संतरे के छिलके के पाउडर को मिलाकर पेस्ट बना लें, इससे एकन जल्दी कम हो जाते हैं। नंबर 16, बचे हुए सलाद को मिक्सी में पीसकर प्यूरी बनाएं, फिर उसे आटे में गूंदकर रोटी या पराठा बनाएं, देखें बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। नंबर 17, लोहे के किसी चीज़ पर या चाकू पर जंग लग गया हो तो उस पर प्याज काट कर रगड़ दीजिए, जंग निकल जाएगा। नंबर 18,
दूध को कभी भी फ्रिज में खुला नहीं रखना चाहिए, नहीं तो दूध से तुरंत बदबू आने लगती है। नंबर 19, चाय के साथ अंकुरित अनाज, उबला अंडा, नींबू, खट्टे फल, ठंडा पानी और सलाद का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। नंबर 20, गुनगुने तेल से सर की मसाज करने से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, इससे बालों को पोषण मिलता है और थकान दूर होती है। नंबर 21, मुलायम रोटी बनाने के लिए आटा, दूध और तेल मिलाकर आटा गूंदे, एकदम सॉफ्ट रोटियां बनेगी। नंबर 22, चाय पत्ती के उबले पानी से बाल को धोए, इससे बाल का गिरना बदल जाएगा। नंबर 23, अगर आपके दांतों में दर्द है तो गुनगुने पानी में थोड़ी सी हींग मिलाकर कुल्ला कर ले, इससे दांत दर्द में आराम आ जाएगा। नंबर 24, प्याज के रस में चीनी डालकर शरबत बना ले और इसे 10 से 15 दिनों तक लगातार पिए, इससे पथरी गल कर बाहर निकल जाती है। नंबर 25, सौंफ के पानी का सेवन पेट में कीड़े का उपचार करता है। इस वीडियो में बताई गई जानकारी एक सामान्य कार्य के लिए है, किसी भी बीमारी से पीड़ित होने पर डॉक्टर से सलाह लेकर ही इन नियमों को अपनाएं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया।